करो इस फोरम वास्ते, पार्टिसिपेशन मुख्तलिफ तरीके ना तुसी कर सकते हो। एक ते के तुसी उत्थे टीम साजी जिहड़ी है मेजर सिटीज जिहड़े तुहाडे कोल नूं स्टेट लैवल ते कंट्री लैवल ते उन्हां विच तुसी टीम साजी मुकम्मल करो, मंडी बहाउद्दीन दे जिहड़े लोग नूं उन्हां नाल राबते करो, ते इस तों अलावा तुसी ईवेंट रखो, गैदरिंग रखो, उह जिहड़ियां तुहाडी स्टेट दीआं कोविड-19 दे SOPs नूं उन्हां नूं फॉलो करदिआं होइआं। इस तो अलावा जिहड़े असीं केस रिजॉल्व कर रहे हां उहदे विच तुसीं जितना पार्टिसिपेट कर सकते हो वह तुसीं करो, उन्हां चाहे तुहाडे कोई उत्थे तल्लुकात नूं पाकिस्तान विच वह यूटिलाइज़ करो जां किसी होर तरीके नाल उन्हां केसां दी सलूशन वास्ते साडे नाल तुसीं राबता करो। थर्ड चीज़ एक कि सोशल मीडिया उत्ते साडियां मुख्तलिफ चीज़ां जिहड़ियां ने वह असीं शेयर कर रहे हो, उम्मीद है तुहाडे अगे भी रिक्वेस्ट है कि तुसीं वह शेयर कीता करो। इस तो अलावा वीडियो बना के मजीद इस फोरम दे बेहतरी वास्ते तुसी इदे सोशल मीडिया ते भी पार्टिसिपेट कीता करो। बाकी असी फुली सारियां जितनियां भी अडवाइसां लभदियां असी उन्हां नूं फुल टाइम कंसीडर करीदा, ते तुहाडे अगे रिक्वेस्ट है कोई भी तुहाडी अडवाइस आवे इस फोरम रिलेटिड उस थान भेजा करो, असी उस अडवाइस उत्ते वर्क करांगे इंशाल्लाह। फ्यूचर विच साडा प्लान है कि असी वेलफेयर दे काम जिहड़े ने उह वी करिए, ते उह उस अज दी वी इस मीटिंग विच तुसी अपनी राय वगैरह जिहड़ी है उह शामिल कर सकते हो वेलफेयर दे प्रोग्राम्स दे रिलेटेड, ते इंशाल्लाह सारयां दी राय लैके उहदे वास्ते पूरा एक स्ट्रक्चर जिहड़ा उह असी डिजाइन करांगे, ते तां वेलफेयर दे काम जिहड़े ने शुरू करांगे। मीटिंग दा प्रोसैस जिहड़ा उह इह कि मैं वन बाय वन सारयां दा माइक जिहड़ा है अनम्यूट करांगा, और सारे जिहड़े ने उह अपने दो दो मिनट जिहड़े ने कर लो फोरम जितने भी असीं केसेस रिजॉल्व कर रहे हैं वो इस वक्त अवेलेबल ने। मैं तुहानूं अपनी वैबसाइट जिहड़ी उह शेयर करके भी दिखा दिंदा, ते उहदे उत्ते करंटली ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ? ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ अच्छा, यह साड़ी वैबसाइट है, यह होम पेज ज जड़े ईवेंट वगैरह होंगे असी इतने स्लाइड शो बकायदा चल रहा वो असी इतने शामिल करीद। उस तो अलावा यह थले साडा जिहड़े करंटली केस असी वर्कआउट कर रहे हैं उन्हां दी प्रोग्रेस है बकायदा तुसी देख सकते हो कि दे विच मुख्तलिफ ममालक तो बंदियां सन केस जिहड़े सबमिट किए हैं उन्हां दी प्रोग्रेस बकायदा असी जिहड़े डन हो गए नो डन इंडीकेट किए और जिहड़े इन प्रोग्रेस न थले जितने भी साडे अपकमिंग ईवेंट नो ओ चाहे कोई जूम दी मीटिंग है या कोई साडी सोशल गैदरिंग है ओ इत्थे इंशाल्लाह अवेलेबल होण दे। उस तो अलावा ऐ थले मुख्तलिफ टीमां ने इहदे च काफ़ी सारा डेटा है जिहड़ा कोड वगैरह लिखने पौंदे ने मैं ओ एंटर कर रहा स्लोली, लेकिन सो फार है USA दी प्रीटी अपडेटेड है। मैं तुहानूं शो कर दिंदा ऐ साडे सारे टीम मैंबरस ने, किसी के नाम से भी तुसीं क्लिक करो दे डायरैक्टली उन्हां दी फेसबुक ते चले जाओ दे। इस तरह न्यूयॉर्क की टीम है, DC की, पेंसिलवेनिया, जॉर्जिया, बाकी साड़ी वैबसाइट से सोशल जितने भी साड़ा है ट्विटर वगैरह या फेसबुक लाइव है वो हर वक्त ये उत्ते चल रही होंगी, तुसी ये तो वेख सकते हो। बाकी मिशन स्टेटमेंट है, रजिस्ट्रेशन बड़ी लाजमी है, सारे इस पेज उत्ते जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो बाकी कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो इतों आके साड़े नाल कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगे मैं मेरे ख्याल ना तारड़ साहब ने ज्वाइन कर लिया है। अंकल जी कोई है जे अपडेट उन्हें कीता ज्वाइन? नहीं नहीं देखो नहीं उन्होंने नहीं कीता, तुसी अंकल जी कंटिन्यू करो तो मैं उन्होंने रब्ता करना। थैंक यू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सब तो पहले तो मैं सारे दोस्तों नूं सलाम अलैकुम कहना, और मैं बड़ी खुशी हुई है कि आज सारे दोस्त तुसी न्यूयॉर्क ते कैनेडा दे मौजूद हो, और इस फोरम नूं मजबूती वास्ते तुहाडे सारयां दी जरूरत है। बल्कि मैं खसूसन शुक्रगुजार हाँ जिहड़े पाकिस्तान तो साडे नाल न्यूयॉर्क स्टेट दे प्रेजिडेंट मलिक शुएब साहब ते शेख साहब ज्वाइन कर रहे हैं और अपना कीमती वक्त कढ गए।
अच्छा, मैं तुहानू दसदा चलना कि 2 माह हो गए ने सानू इस फोरम नू बने हुए, लेकिन इस फोरम दे जिहड़े मकासद ने उन्हां तों तो हाली असी काफी दूर हाँ। सम्राट उन्दे जिहड़े ने वो मिलने शुरू हो गए ने, काफी सारे असी 8-10 केस जिहड़े ने रिजॉल्व कीते ने। कुछ जमीनां दे केस हन, कुछ लोगों दे पर्सनल प्रॉब्लम्स हन, कुछ बाहर दे प्रॉब्लम्स हन। बल्कि कल एक ऐसा केस है, साढ़े मजहर इकबाल साहब स्पेन ने, उन्होंने सन इतलाह दी थी, असी लेबिया की एम्बेसी नाल राबता किया। एक उत्थे इनलीगल बंदा सी, वो उसकी डेथ हो गई, तो उसकी मैयत भी पाकिस्तान ले जाने वास्ते एम्बेसी ने साडा बड़ी मदद की थी। बल्कि फोरम ने बड़ा सराहाया और उन्होंने उसका तकरीबन जाने का खर्चा भी जोड़ा है वह भी कम्यूनिटी फंड चो अदा करके दिता। हुण सवाल यह पैदा होंगे कि इस फोरम नूं अग्गे असीं किस तरह लैके चलना है। इहदे विच सब तो ज्यादा जरूरी है कि तुहाडियां आरा की ने, तुसीं की चाहते हो, अगों की होना चाहिए है, असीं किस तरह इस नूं अग्गे लैके चलने हैं। शुरू शुरू विच हर चीज दे विच छोटियां मोटियां प्रॉब्लम आनियां ने। मैं तुहानूं दसना चाहना कि मंडी बहाउद्दीन दी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया साडे नाल भरपूर तावन कर रही है, बल्कि बहुत ज्यादा तावन कर रही है, जिहदे विच डीपीओ मंडी बहाउद्दीन दे असीं बहुत ज्यादा मशहूर हाँ। और डीसीओ मंडी बहाउद्दीन नाल भी साडे नुमाइंदे की मुलाकात हुई है, उन्होंने भी कहा कि ओवरसीज फोरम वास्ते उन्होंने दरवाजे हर वक्त खुले रहे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हर जायज काम वास्ते इंज ना हो कि कोई बंदा तुहानू इस्तेमाल कर ले। और मेरी तुहाडे नाल अगे भी ये रिक्वेस्ट होएगी, बल्कि तुहाडे नाल रल के ही मैं ये चाहवागा कि कम अज कम असी इंज दे काम करिए कि जेडे कोई ऐसे गलत काम का असी साथ ना दे। उस तो बाद जितने भी कुछ छोटे छोटे गल्लां होंगियां गायब गायब होनिया रहनगियां, मैं चाहवागा कि मैं नहीं अज तुसी ज्यादा इस ते गुफ्तगू करो, क्योंकि असी कोई सानू जिहड़ी गलबात साडी समझ चो आई कि असी अगे की करना है। कुछ लोग जिहड़े ने वो साडे तनजीमी मामलात विच छोटी मोटी नुक्ताचीनी करदे ने, लेकिन मैं समझना कि इत्थे दीवान मुस्तफा साहब तुहाडे सामने मौजूद ने। असी अमरीका की तंजीमी जिम्मेदारी उन्होंने दी है, उन्होंने को पुछ लो कि मैं उन्होंने किसी मामलात में कोई मुदाखलत की हुए थे। उस तो अलावा इंटरनेशनल सतह से भी जिहड़े तंजीम चो बंदे आ गए ने, हुण सानूं वक्ती तौर पर तो नहीं पता लगता भी वह कैसे ने किस तरह ने, लेकिन साडी कोशिश होएगी कि दिन ब दिन अगर जिहड़े बंदे काम साडे भरा नहीं करना चाहते, उन्होंने भी असी अगे पिछे करके उन्होंने कभी एक अगर तुहाडे कोल काम नहीं हुंदा ते असी उन्होंने जगह से मुतबादल कियादत लियाईए। अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला, मैं तुहानू एक खुशखबरी सुनाना कि इस छोटे जे अरसे दे दौरान मंडी बहाउद्दीन दी ओवरसीज फोरम तंजीम जिहड़ी है, ये दुनिया दी सब तो पापूलर तंजीम बन गई है। बल्कि मेरे नाल दूसरे अजला दे लोग शिकवा करते हैं, बल्कि जोर देंदे ने कि तुसी सानू इस तंजीम चो शामिल करो। असी इंशाअल्लाह ताला उन्होंने भी करांगे, लेकिन मेरा यही ख्याल है कि क्यों ना असी पहले अपने घर तो या मंडी बहाउद्दीन तो शुरू करके अपने मसाइल ते काबू पा लीए, फिर असी अगे वधांगे। हुण सब तो ज्यादा जिहड़े बंदे काम कर रहे ने या जिहड़े बंदे इन ने वह भी तुहाडे सामने ने, जिहड़े बंदे नहीं कर रहे वह भी तुहाडे सामने ने। यकीनन असी बाहर सारे मजदूरी वास्ते आए हाँ, टाइम की भी कमी होंगी है, बिल्कुल टाइम कीमती होंगे और टाइम की कदर भी करनी चाहिए है। लेकिन मैं समझना कि जिहड़ा इंसान इंसानियत की फलाह वास्ते या अपने हकूक के तहफ़ वास्ते टाइम नहीं कटता, उस इंसान में भी फिर थोड़ा जा सोचना समझना जरूर चाहिए है। बल्कि अपने दुनिया तो जी ये फानी है, हर एक ने चले जाना है, कोई अगे गया कोई पिछे गया, असी भी लाइन चो लगे हुए हैं। और असी ये चाहते हैं कि तुसी सारे अपने हकूक के तहफ़ वास्ते इंसानियत की फलाह वास्ते कुछ थोड़ा बहुत टाइम कढ़ो। और अज स्पेशली अज की जी मीटिंग है ये साड़ी बेस मीटिंग है, क्योंकि ये जी तंजीम है ये बेशक दुनिया पूरी ते तंजीम बन चुकी है, लेकिन इसका बेस अमरीका और कैनेडा है। यानी कि अमरीका और कैनेडा ते सारे ओवरसीज ने उम्मीदा लाई है कि ये जेडे 2 मुल्कों के लोग ने ये साढ़े ओवरसीज की रहनुमाई करेंगे, साढ़े वास्ते ये साढ़े मसायल हल करने वास्ते मदद देंगे। हाँ, कुछ मसायल हल होंगे ने, कुछ नहीं होंगे, लेकिन साड़िया नीयतों में फर्क नहीं आना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि सानू ही अपनी अमरीका ते कनेडा दे लोगों नू इन कायदाना सलाहितां ते फख्र करना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि वाकई मिडल ईस्ट या दूसरे लोग जड़े ने वो साढ़े वाल
ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਖੁਰਮ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਈਕ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣੀਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਰਸ਼ਦ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਫੋਰਮ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਚਲੋ ਖੁਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਮਤਲ ਭਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ। ਅਮਤਲ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਛੁਪਿਆ ਡੁਕਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਫਲਾਈ ਔਰ ਰਫਾਈ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100% ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਫਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਔਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੀ ਨਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ। ਨਾਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਆ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁੰਨੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਾਬੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੂਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਫ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਬੈਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਔਰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਰਮ ਬਣੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਲਗਾਇਆ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਹਰਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਫੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਓਪਨ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਣੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਅੰਕਲ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੀ ਵਾਲਿਕ ਸਲਾਮ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਰਹੀ। ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਟਰ ਰੀਡ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਕਾਲ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਿਸ ਪੈਕ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਅਮਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੈਟ ਆਫ ਟੂ ਯੂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਿਦ ਰਜ਼ਾ ਰਾਂਝਾ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ,
अमतल चौधरी मेरा निक्का भरा है, सारे तुसी मेरी फैमिली हो। और सब तो बड़ी गल है कि चौधरी शायद रजा रांझा अगे मंडी दे विच फलाई कमां दा, दिस इज नॉट हिज फर्स्ट थिंग ही हैज बीन स्टार्टेड। अगे जिवें इन्हां ने वाटर पंप लाए, जिवें बच्चियां दीआं खिदमतां करदे सन पे, उंज ही खलूसे नीयत नाल टुरे ने। ते मैं ते हमेशा इह समझदा कि मैं हमेशा शायद रजा रांझा दे नाल रिगार्डलैस की करन, मैं हमेशा ही इन्हां दे मेरे भरा इन्हां दे वड्डे भरावां हमेशा नाल होना वा। और तुसी भी सारे, मेरा मकसद है मेरी फैमिली हो एक, और एक एक नेकी का काम रफा ही एक लैके टुरे हैं इंशाल्लाह ताला। और ओदे विच असी पार्टिसिपेट करांगे, बल्कि मैं समझना कि साडा कर्ज है मंडी बहुत दिन का। वेखो जिथों जी तुहाडी जमपल हुंदी है, ओदा तुहाडे मजहब दा, तुहाडी कौम दा, तुहाडे मुलक दा एक कर्जा हुंदा है। ओ असां सारिआं जिन्ना चिर नहीं लाणा, साडे साडीआं लैगेसीज, साडीआं रूहां नूं सुकून नहीं आउणा। और सारे भरा तुसीं, मैं समझना साडे वास्ते फखर वाली गल है कि शायद रजा रांझा साहब सानूं एक प्लेटफॉर्म ते लैंदा है, इकट्ठा किया। और इंशाला लबै के इन्हों के नाल असीं टुरांगे सर, जिथों तक हो सके टुरांगे। और ये मैं तो तुहानूं ओरिजिनली सुजेशन की बजाय कामेंट से देने सन के मंडी हमेशा जिस तरह अगे ही आता रहा मैं कि पाकिस्तान साडा प्यार है। तो चो शायद रांझा तो अपना साढ़े अमतल चोज साहब और दूजे रांझा साहब सारिया के हूँ मेहनत मैं, क्योंकि मैं गड्डी ड्राइव पैक करना जा रहा जी। हेलो, अल्लाह ना करे दोबारा कोई इस तरह का हो। सारे वास्ते दुआ गोवा, मंडी बहुत दिन वास्ते दुआ गोवा, पाकिस्तान वास्ते दुआ गोवा। अल्लाह ताला तुम सारे चढ़ते पासे रखे, खुश रहो, दिवस दे रहो। थैंक यू सर सो मच। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी तार साहब, बहुत बहुत धन सर। थोड़ा अल्लाह ताला सारे भरावान नूं खुश रखे, इंजे ही तुसी सारे रफाई काम करते रहो। थैंक यू सो मच। असीं तुहानूं दसना चाहते सी, दस केस आए सन जिहड़े खुशसलूबी नाल हल हो गए सन, तुसीं पाकिस्तान साओ। मैं वेखदा रहा फेसबुक ते चोइसा वेखदा रहा मैं सर। अल्लाह ताला तुहानूं होर मजीद मेरा मसल अजर भी देवे, ताकत भी देवे लोकां नूं सर्व करने दी। साडा प्लेटफॉर्म इंज ही चलदा रहे, वड्डा हुंदा रहे, लोकां दी खिदमतां करदा रहे। जजाक अल्लाह चोइस साहब, जजाक अल्लाह। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਅਮਾਨ ਚ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਤ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਓਰਿਜਨਲ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਰੀਕਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਨੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। बहुत मेहरबानी, थैंक यू जोसेफ, थैंक यू, बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। अंकल अरशद रंजा साहब प्लीज अपना माइक ऑन म्यूट करो जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। जी वालेकुम। अरशद महमूद रंजा मैरीलैंड से बोल रहा हूँ। शायद रंजा साहब मेरे छोटे भाई ने, ते मैं कल भी इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਯੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹਰ ਵਕਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਐਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ। ਅਲੀ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀ ਬੋਲਦੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਰਫਾਏ ਅਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੰਡ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਲਦੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਕਲ ਅਸ਼ਰਫ ਹਯਾਤ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम गोंदल साहब जी, आवाज आई मैं क्लियर कर ली जी। जी अशरफ याद गोंदल, मैं मुने लफ्ज इस्तेमाल करना है पंजाबी वाले, सारी कम्युनिटी अपनी बैठी है, चीफ ऑर्गेनाइजर ओवरसीज कनाडा।
बहुत अच्छे सिलसिला चलता पाया, बड़ी हौसला अफजाई होती पी है, चूंकि मेरा खास कम्यूनिटी का तल्लुक है, इतने आन जान है और सारिया दूसरिया कम्यूनिटियां सन चाहिए, लेकिन मैं इस गल से बड़ा खुश हाँ कि साड़ी हौसला अफजाई बड़ी हुई है। जिहड़ी चीज़ा तुसी फेसबुक से चढ़ते पे हो वह बंदे सारे सुनते पे ने, वेंदे पे ने, और वह चीज़ा जिस वेले वह वेख के साडे नाल शेयर करते हैं, भाई यार तुसी ते वाकई कामयाब हो गए, सानू शक पिया भी तुसा जिहड़ा सिलसिला बनाया है उंजी जो इत्थे आम सिलसिला बनता है हफ्ता डेढ़ बाद खत्म हो जाता है। अलहमदुल्ला बहर आने जिला भी साड़ी खासी हौसला अफजाई हुई है, अपने ग्रुप अपने पैनल से साडा अलहमदुल्ला ही कामयाब, और उन्होंने हस्तियां उन्होंने भाइयों की वजह तो जेडे भाइयों स्टार्ट लिया और जिन्होंने भाइयों एदा फ्रेम बनाया, और वह भाई जेडे ये अपने 24 आवर सर्विस लाई बैठे ने। मैं समझना कि जिमें गेरा जी साहब फरमा रहे हैं, असी एक कबीला भी आसे, एक जा चज वाले भी आसे, सन सिर्फ एक जगह चाहिए है, और वह जगह अलहमदुल्ला सन लभ गई है, साडे विच सारिया खूबियां मौजूद ने, सारे टैलेंट साडे विच हैं, और साडी कम्यूनिटी मैं बाहर आए गल आके दूजे जिले नाल बड़ी मुख्तलिफ बड़ी खूबसूरत गल नहीं, लेकिन यह जरूर बात है कि साडी बजुर्गों की साडी कम्यूनिटी की साडे इलाके की साडे उस पेश की लोग रीस करते रहे हैं, बहाने उठने विच बोलने विच कपड़े पाने विच, ये खूबियां साडे पौजदाद विच भी आईयां। तो अलहमदुल्ला अगर जनाब साजिद तारड़ साहब और शायद रजा रांझा साहब, खुरम साहब, दीवान साहब, जुमला मिमरान जितने भी हैं, इन्हें अगर काविश की है जिद मोहम्मद आजम गोंदल साहब ने, तो उसका सारे बेनीफिट होया कि असं सारा टब्बर कट्ठे भी हो गए और अपनी अपनी काबिलियत भी दिखावे, तो यह निरी काबिलियत नहीं बल्कि सदका जारिया भी है, और असी ये इंशाअल्लाह ताला बहुत अगे जावे और अगे नहीं जावे बल्कि साढ़े भाईचारे की फजा जी वधेगी, असी सेफ रहे क्योंकि असी बाहर आ गए, साढ़े बच्चे भी बाहर रहना है, और साढ़े हर शह पिछा है, साडे प्रॉपर्टी पिछा ने, साडा वसेब पिछा है, साडे कम्युनिटी जो इदारे ने कम्युनिटी सिस्टम पिछा है, वो सारिया चीज़ा जी साड़ियाँ आन रहा दियाँ, साडे बच्चे भी इनवॉल्व हो जाते हैं, ये नहीं बी इतने पढ़ते पे ने जो साड़ी गुफ्तगू सुन दे, साडे को बहन दे, साडी एफर्ट वेखण दे, और साडियाँ साढ़े मसलन मैं इतने हाँ तो मेरे को राजा साहब या खुरम मिलन आते हैं, तो साड़ी गुफ्तगू सुन दे, तो उन्होंने भी वैबसाइट खुले दी कि साडा मुल्क पाकिस्तान भी है और उस पाकिस्तान खूबियां भी हैं, असी जो काम शुरू किया है ये साढ़े तक ही नहीं, ये साड़िया नस्लों भी इस फायदा उठा दी, और ये परसनल फायदा नहीं, इस वास्ते ये ज़्यादा इमकान ने कामयाब हो जाने दे। मैं नहीं पता टाइम लिमिट का, मैं नहीं पता, मैं ज्यादा ना बोल गया वहाँ, थैंक यू सो मच जनाब, और मेरी एक गुजारिश है सारे अगे, कल मैं ग्रुप भी आख्या है कि प्लीज़ मैंबरशिप वाल तवज्जो दियो, जितने भी भाई हैं और बिलखसूस जेडे ओदे दौरान ने, ये सारे अगर ये पांच पांच मेंबर भी हफ्ते में लिया होना तो तभी साड़ी तादाद बढ़ी है, तो मैंबरशिप जी वधाई जाए ताकि साडा पैगाम लोगों तक पहुँचे, लोग साढ़े तो फायदा लै सकन, लोगों को पता लगे पे एक पैनल है, और उस वे सू पता लगता है जिस सू जरूरत पाती है या अं जिस मैंबर बनने वो एक्टिविटी आने रबते आने, उस पहला सू पता ही नहीं होंगे नैक्सट डोर साढ़े को, यह मेरी रिक्वेस्ट है सारे अगे कि मैंबरशिप जी वधाओ और मुख्तलिफ इलाकों भी रबता करो, क्योंकि न्यूयॉर्क के हज़ार आ सिटियां ने जिड़िया खुरम साढ़े जिते साडे पाकिस्तानी हैं इतने भी अलहमदुल्ला सिसका तू रबता हो गया, और एक दो होर टोना भी रबता किया, उन्होंने आख्या पार्टियां बढ़ा सकते हो, तो मेरी गुजारिश होगी मैंबरशिप से तवज्जो दी जाए, थैंक यू सो मच भाई शाहिद रज़ा तारड़ साहब, खुरम व जुमला इमरान, थैंक यू अगेन, बहुत मेहरबानी, बहुत थैंक यू अगेन, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अगे मैं दावत देवांगा साढ़े न्यूयॉर्क स्टेट के प्रेजिडेंट मलिक शुएब अवान साहब, अपना माइक अनम्यूट करन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आवाज आ रही जी? जी जनाब अली, सारे दोस्तों सलाम वालेकुम, खुसूसन खुरम शहजाद रांझा साहब, दीवान मुस्तफा साहब, जेडे हाजरीन, बाकी जुमला दोस्त ने, सारे अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त पाकिस्तान दे विच हाँ, तो अलहमदुल्ला इत्थे गोंदल साहब नाल मुलाकात हुई सी, वो तशरीफ ले आए सन मेरे को, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही उन्होंने रही, इस हिसाब नाल जिहड़ी अज दी मीटिंग है
सब दोस्तों ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है और उन्होंने कंसर्न और यह जो जुमला आरा ने उन्होंने वो बड़िया वाजिब ने और काबले अमल ने। इंशाल्लाह असी पूरी कोशिश करांगे। तो रांझा साहब दियां जिहड़ियां काविशां ने इस तो पहले भी जो जो उन्होंने काम कर रहे हैं या जो 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 हुक्म साढ़े मुतलक उन्होंने साढ़िया ड्यूटियां लाइया ने असी अपनी इंशाल्लाह तन मन धन सारा कुछ वो सर्व करांगे। अपनी पूरी सलाहियत जड़िया ने नज़र करांगे और पूरी दयानतदारी नाल काम करांगे। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। ते जड़ी अगे अशरफ आजाद साहब ने कह और सोई साहब ने भी कि रजिस्ट्रेशन का ध्यान, चूंकि मैं ऐस दो तीन वीक और इतने पाकिस्तान च ही हाँ, उस तो बाद इंशाल्लाह वापसी ते अपनी पूरी कोशिश करांगे। अपने तौर पर जितनी भी असी मैंबरशिप कर सकते हैं वह करांगे, अपने दोस्तों तक पैगाम पहुँचावांगे और इस तंजीम दी जितनी भी जो जो भी ड्यूटियां हुई रांझा साहब असी मनोआ नाजर हाँ इंशाल्लाह। साढ़े तमाम दुआवां और हर एक चीज तुहाडे नाल है। बाकी दोस्त जिहड़े विच कुछ ऐसियां वजूहात आईयां ने वो हैं ते काबले अफसोस, लेकिन हर बंदे दी अपनी अपनी राह हुंदी है ते वो उन्होंने इस गल दी भी अपना आजादी है कि अपने अपनी राय का इजहार कर दें, छड़ दें या आंदे या जांदे ने। ये एक जमहूरीयत है। ते दोस्तां नाल अगे ही रिक्वेस्ट है कि यूनिटी यूनिटी एंड यूनिटी। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया। मैं ऐसा जो पाकिस्तान दे मेहमानां जिहड़े इन्हां प्रायोरिटी दे रहे हैं क्योंकि उन्हां कोल काफी टाइम हो गया ते इस वजह तो जी। भाईजान सफ्तर साहब तुसी बोलो। शेख सफ्तर साहब अस्सलाम वालेकुम जी एवरीबॉडी। बहुत एक्साइटेड, बहुत मुतमईन, बहुत खुश हां मैं इस फोरम तो। काफी दफा पहले अर्ज कर चुकिया दोस्तों सारे जिन्होंने स्टार्ट लिया, जो साथ दे रहे हैं, जो सुन के एक्साइटेड ने। आनेस्टली सब नू खराज तहसीन मेरी तरफों, माशाल्लाह बहुत अच्छा इकदम है। इत्थे आया कोई दिन मसरूफी रहे हैं, लेकिन हर घर एक अद्धा बंदा किसी न किसी मुल्क में तो मेरी गल होंदी रही है सारे नाल, जिहड़ा जिहड़ा मिलता रहा। इनवाइट किया कॉन्शियसली मलिक साहब ने और मैं, वो ज्यादा दोस्त इनवाइट किए सन जे किसी न किसी मुल्क में होंगे, फिर उन्होंने डिटेल की फोरम की गल हुई है, कोई ख्वाब नहीं विखाए उन्होंने, लिमिटेड जरा प्रीसाइज इंट्रोडक्शन करवाया। इनशाला मैंबरशिप वधेगी। दो इशू विच ऐसे ने जिन्हें थोड़ी सारी मैं अपनी राय देना चाहना। नंबर एक, अगर कोई बंदा तलख बोलता है वह एक्चुअली सारिया तलख बोलता है, किसी एक वास्ते ना वो गाली है, किसी एक वास्ते ना वो एम्बेरसमेंट है, किसी एक का वो रोल ही नहीं। वो हूँ सारू समझो ती जिस तरह नज़रबाजी होंगी है ना, उस तरह एंटाई फोर्सिज भी होंगे ने। ये कम है इोजे माहौल का, ये लाजमी अमर है कि कुछ लोगों को समझ नहीं आती, वो उसते अपना एक रवैया फौरी जरा देंगे ने। कुछ लोग मेरे अजीज अज जान कुछ दोस्त जड़े ने वाकआउट किया, उन्होंने अपनी मजबूरियां ने, दे आर वेलकम। साढ़े दरवाजे साढ़े दिल उन्होंने वास्ते ओपन ने, वो कभी भी सन जॉइन कर सकते हैं, सन गाइड कर सकते हैं और या साड़ी लीडरशिप नो फॉलो कर सकते हैं, उन्होंने चॉइस है। असी रिटेलीएट किसी नु नहीं कर रहे एज ए पॉलिसी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ा सारा जिहड़ा सिलसिला बनया कि असी उहदे ते यानी लोगों की आरा नहीं इतनी ओपनली लै रहा है, शायद मैं उत्थे कहांगा कि दो चार बंदे होर होणगे जिहड़े गलत बोल लैणगे, मोस्टली लोग नाल ने और अफरी ने मंडी के लोगों जिहड़े एक्सपैट्स ने बहुत ज्यादा नाल ने, दो चार होर नू इसे तरह वह अपना आप खुद लोग कलर शो कर देणगे कि वह की कहना चाह रहे हैं, आराम नाल साइड ते हो जांदे ने। ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਬਾਬ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੰਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਕਿਧਰੋਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਜਲਦੀ ਆ ਬਦੇਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ
समझ भी आ जाती कि मैं गलत किया जो असी रिटेलीएट नहीं करते और जो सा रोल वेखे कोई स्टडी करे कुछ बीमार जेन होंगे उन्होंने दा खुदा इलाज करे अल्लाह तला बेहतर शफा देने। मैं मजीद टाइम नहीं लवागा मेरी तरफ सारे दोस्तों असलाम वालेकुम एंड स्काई इज द लिमिट इनशाला कोई ना कोई इंपैक्ट होगा साडा बड़ा पॉजिटिव सोसाइटी से। अस्सलाम वालेकुम जी बहुत शुक्रिया थैंक यू। अगे मैं दावत देना अंकल अंसर गोंदल साहब जॉर्जिया दे साडे प्रेसिडेंट नु अपना माइक ऑन म्यूट करो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मेरी आवाज आ रही है खुर्रम बच्चे? जी जी आ रही। अच्छा बहुत शुक्रिया जी इस फोरम दा सारे काम करन दा और शायद रांझा साहब खुर्रम बच्चे तेरी हिम्मत साजे तारण साहब बाकी अशरफ गोंदल साहब शुएब साहब सारे जितने हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम है जी साड़ी फुली तन मन धन दे नाल असी तुहाडे नाल और थोड़े जिहा असी जॉर्जिया वाले स्लो है लेकिन असी अजे थोड़ा वेट कर रहे हैं कि चलो एक बारी लाइन ते चढ़ोगे सन ते फिर असी जनाब जिन्ना तुसा दसाया असी अगे अगे लग के तुहाडे भजांगे ते इनशाला कोशिश करांगे जितनी हिम्मत हो सकी सारिया वास्ते ते जिहड़ा साडे जिम्मे काम लगा उहदे च इनशाला तन मन धन नाल तुहाडे नाल अल्लाह खैर करे जेडे भरा कोई नैगेटिव एक्टिविटी या मतलब कोई गल कर रहे ने कोई नहीं ये जमहूरियत का हिस्सा है होंदा रहा करन कोई नहीं उन्होंने भी हौली हौली नाल लै आवे कोई साढ़े इख्तलाफात इन्हें कोई नहीं कि एक दूजे गल ही नहीं करनी बाकी चलो जे हर बंदा अपनी राय का इजहार करता है जिम्मे जिम्मे किसी का दिल है वो इजहार करन इनशाला म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सारे काम होंगे और इनशाला असि सारे रल के टुरांगे और मंडी की सलाह बेहतरी वास्ते सारे काम करने वास्ते तैयार हां। शुक्रिया जी ते सारे दोस्तों ब्रह्मन अस्सलाम वालेकुम जी बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच। मेरे साहब नो ओ जॉर्जिया एंड फ्लोरिडा दे जनरल सेक्रेटरी जी विकास भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम खुर्रम भाई शायद साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्लेटफार्म है जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्लेटफार्म है जी अज माशाल्लाह सारे भाई इकट्ठे हैं इत्थे ते इंशाल्लाह साडी पूरी कोशिश है कि जिस प्लेटफॉर्म सानू इकट्ठा किया गया असी इस ते पूरा उतरीए ते इत्थे भी ते पाकिस्तान जेड़े कोई साडे लायक किसे किस्म दा काम जेड़ा असी अपने मंडी पावल दी कम्युनिटी वास्ते अपने बंदियां वास्ते कर सकने आ उहदे विच इंशाल्लाह असी भजांगे भी ते दौड़ांगे भी पूरा साथ देवांगे उहदा ते थोड़ा अंकल आंसर साहब ने कहा कि थोड़ा जॉर्जिया वाले स्लो ने कोशिश है कि हूँ स्लो नहीं होने लगे अच्छा प्लेटफॉर्म है ये असं इंशाला तला दौड़ा भी तो नज़र भी आवेंगे प्लेटफॉर्म के उड़े लाइक किसी किस्म की कोई खिदमात हो किस्म जी असं इंशाला पूरा उतरों उसके बाकी सरबराई साड़ी कर रहे हैं इस टाइम खुरम भाई भी ने शहरजा साहब ने किसी किस्म की इंशाला पिछे नहीं रहने कोशिश है ही है साड़ी कि असी अपनी जितनी भी कम्यूनिटी है उन्होंने सारे नाल लैके चलीए प्लेटफॉर्म सानू बड़ा अच्छा लग गया इहो जिहा प्लेटफॉर्म तो बंदे लभदे नहीं है लोग सोचते रहते हैं लेकिन वह कर नहीं सकते हैं लेकिन अच्छा 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 कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म सानू दिता गया पूरा उतरांगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी थैंक यू सो मच भाईजान। अगे मैं रिक्वेस्ट करना रिजवान अहमद गोंदर साहब नो कि अपना माइक ऑन म्यूट करन जी भाई। थैंक यू सो मच। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वा अन्तुम मुस्लिमून व युबिलीव फी अल्लाह एज़ ही शुड बी एंड डू नॉट डाई एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ इस्लाम। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. It is an honor, privilege to be part of this forum, our organization whose object is very simple, to help our brother and sisters in need. MashaAllah, badi khushi hai, harangi bhi hai, aur mojzate taur te iste jis tarah tarzeeb hui hai. दुनिया दे मशरक तो लैके मगरब तक जापान न्यूजीलैंड आस्ट्रेलिया चाइना मलेशिया
Middle East, Africa, Europe, all the way North America, and all the way west of the world, state of California. क्यों? लोग इस कारवांच बहुत जल्दी नाल दखल हो रहे हैं क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सादा कि सिर्फ जुल्म दे खिलाफ खड़े होने, मजलूम दा साथ देने, हकदार ने उसका हक दिलाना है और इंसाफ दी बेस दे। क्योंकि जो खुशी दिली सुकून बंदे दूसरे की खिदमत नाल मिलता है वो बाकी दुनिया के किसी काम करने नाल नहीं मिलेगा। क्योंकि कुरान भी कह रहा कि वैताम उफी यौम जी मसगाबा कि किसी भूखे को भूख वाले दिन खाना खिलाना उसका बहुत अजर है। वन ऑफ द स्कॉलर मेरे जहन च आया कि फ्रॉम सूडान, तो उसने की किया सी कि किसे भूखे ने भूख वाले दिन खाना खिलाना 1000 मसाजद की तामीर से बेहतर है। जो दिली सुकून मिलता है, माशाल्लाह खराज तहसीन है, जिस तरह तुसी लोगों ने एक बहुत ही मुख्तसर अरसे एक ऐसी जबरदस्त तंजीम कि हर बंदा ऐसे फील कर रहा है कि जिस तरह मैं मंडी बावलदीन बैठा, मेरे घर दे काम हो रहे हैं, यानी कि इस तरह बहुत ही एक दिली सुकून मिल रहा है। एक चीज़ है कि पाकिस्तान च रहने वाले लोग जेडे साडे भाई हैं वो ये समझते हैं कि जेडे लोग बाहर रहते हैं स्पेशली यूरोप या अमेरिका वाले, इन्हों को पैसा तो है लेकिन इन च क्योंकि उस मुल्क दे एक इंसाफ दे बेस ते निज़ाम च रहने वाले ये पाकिस्तान दे इंतजामी या अदालती निज़ाम दी पचीदगियां बिल्कुल नहीं समझते, ये हकीकत है। और साढ़े वास्ते स्पेशली द मिडल ईस्ट वास्ते तुसी अगर कंसैप्ट करो कि एक बंदा अगर उत्थे जांदा है और किसी मुकदमे जो फनस जांदा है, वो क्या 6 माह तो लैके साल तक उसकी पैरवी कर सकता है? बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मेरी एक छोटी जी रिक्वेस्ट है रांझा साहब वास्ते कि एक ऐसी पुलिस कमेटी बनाई जाए कि जेड़ी एक इंडिपेंडेंटली इंपार्शल फेयर और मैरिट से डिसाइड करे कोई भी केस में प्रोसीड करने से पहले कि क्या वो केस जेड़ा बंदा हम दाड़े सामने रख रहा है क्या वो वाकई उसका हकदार है कि उसका साथ दिता जाए, कि ना कि विरासत का केस होए और वो इस फोरम ना यूज करके ते इस फोरम का जो इमेज ही ना खराब होता रहे। इंशाल्लाह असी इंसाफ दे हसूल वास्ते अपनी हर मुमकिन कोशिश करा दे। कैलीफोर्निया थोड़ा जा लॉकडाउन चल रहा है, जी काउंटी च मैं असी रह रहे हैं ये थोड़ा जा होर टफ चल रहा है, तो इंशाल्लाह असी अपनी तंजीम साजी बहुत जल्दी करा और एक अपना शो ऑफ पावर, क्यों कैलीफोर्निया इज़ द बिगेस्ट स्टेट, और इंशाल्लाह असी इस फोरम दे नाल नाल और पाकिस्तान च जितना भी साडे कोल हो सका असी असर रसूख अपना इस्तेमाल करके दोस्त अहबाब भाई रिश्तेदारां करके इंशाल्लाह असी इंसाफ दे असूल वास्ते अपनी हर मुमकिन कोशिश करांगे। थैंक यू सो मच। मैं रिजवान की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। रिजवान भाई, हमारी एक जो टीम है उसके अमतल सोई साहब है इधर बैठे हुए, डॉक्टर अफजाल मल्ली साहब और नसर गोंदल साहब, ये केस को पहले देखते हैं और फिर उसके बाद हम फैसला करते हैं। अगर उस टीम को आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ये भी आप लोगों की मर्जी है। दूसरा, मैं आज सब लोगों को एक छोटी सी बात जो है ना वो बताना चाहता हूँ, यानी एजुकेट करना चाहता हूँ। हमारा हुकूमत पाकिस्तान ने एक ओवरसीज कमीशन बनाया हुआ है पंजाब लेवल पे, मेरी कल उससे बात हुई थी, चौधरी वसीम अख्तर रामे हैं उसके वाइस चेयरमैन, और चेयरमैन उसका जो है वो पंजाब का सीएम होता है। तो कोई भी किसी भी पाकिस्तानी को कोई अगर मसला हो, सबसे पहले वो ओवरसीज की वेबसाइट पे जाएं, आईडी क्रिएट करें और अपना केस जो है उसमें डालें, वो एक आपको नंबर इशू कर देंगे। वो नंबर हमारे लिए भी सहूलत रखता है और आप सब के लिए भी, ये एजुकेट होना बहुत जरूरी है। दूसरा, हुकूमत ने एक ई कोर्ट्स बनाई है, ई कोर्ट्स, यानी आपके जो मुकदमात हैं वो ई कोर्ट्स में चले जाएंगे अगर आप इस जरिए जाएंगे, और वो जब ई कोर्ट में मुकदमे जाएंगे तो जिस तरह हम जूम पे अभी आप बातें कर रहे हैं, इसी तरह जज जो है वो भी हमारी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो जूम पे ले सकता है।
ये दोनों बहुत अहम इतलाज हैं जो हम लोगों को पता नहीं है ना हम लोग इसकी तरफ जाते हैं। ये मैं मतलब आप लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करना चाहूंगा। बल्कि जो वसीम अख्तर है चेयरमैन ओवरसीज वाइस चेयरमैन, उसने हमारे साथ कोऑपरेट करने का बहुत ज्यादा इंदिया दिया है, और किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो कोई बंदा पाकिस्तान में भी हो वाकई उसके दफ्तर में जा सकता है और या हमारा लीगल एडवाइजर जो है वो उसकी मदद कर सकता है। ये मैं आपको बताता चाहूंगा। चले खुर्रम आप जी, बहुत शुक्रिया। बाकी सारे अगे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज काइंडली थोड़ा टाइम का ख्याल रखो ताकि सारे जो उन्होंने मैसेज लै सकी है कि मैं रिक्वेस्ट करना उमर याद साहब ना कि अपना माइक जो अनम्यूट कर। जी अस्सलाम वालेकुम, उमर याद मांगर फ्रॉम कैनेडा टोरंटो विच, ते मैं सीनियर लैब सदर ओवरसीज फॉर्म कैनेडा तो। सर मेरा शायद रजा रांझा साहब का विच आना सामने उन्होंने आना उन्होंने मेरे वास्ते बहुत कुछ है, और बाकी दोस्त अहबाब साढ़े बहुत अच्छे ने सारे, और इंशाला उम्मीद करने साढ़े सारे काम इंशाला हल हो गए। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਏਜੰਡਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਰੜ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿ ਤੋ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੋਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਉਮਰ ਯਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, दो तीन बंदे इन कनाडा तो। अच्छा जी, पर दो चीजा जड़िया साडे प्रोग्राम दा फर्स्ट दे तुसी के इंट्रोडक्शन करो, असी अपने पाकिस्तान दे विच मसाइल दे हल दे वास्ते कोशिश कर रहे ने, साडा बोर्ड बनया होया है। रांझा साहब ने जिस तरह एक्सप्लेन किया कि कोई भी केस आंदा पहले साडे बोर्ड कोल जांदा और बोर्ड ये डिसाइड करदा है कि आया एक केस असां लेना है या नहीं लेना। एक चीज तो एक क्लीयर होगी जिहड़ा रिजवान गोंदर साहब का एक कंसर्न सी, दूसरी मेरी सारे भरावां तो रिक्वेस्ट है अमेरिका दे विच भी और कैनेडा दे विच भी कि प्लीज शो योर प्रेजेंस। ये फॉरम चूंकि साड़ी असी अजे अर्ली स्टेज चा 2 महीने होए ने, साड़ी ज्यादा प्रेजेंस शो हो रही है यूरोप तो, सऊदी अरेबिया तो, UAE तो, ਸਾਡੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਹੈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਤਨੇ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਯੋਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ, 2 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ, 1 ਮਿੰਟ ਨਿਕਾਲ ਕੇ, 2 ਮਿੰਟ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਔਰ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚੂੰਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਅਮੈਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਅਮੈਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਐਕਟਿਵ ਦੈਨ ਅਦਰ ਪੀਪਲਸ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
लेकिन मेरी ये गुजारिश होएगी कि लेट्स टेक अ नेक्स्ट स्टेप ऑफ चैरिटी, कि असी कोई कन्वेंशन अरेंज करने हैं, चाहे इसी तरीके ना जूम दे उते असी थोड़ा जिहा ना स्टेप अहेड लईए और इस दे विच चैरिटी नू ऐड करिए। क्योंकि देखो ये जिहड़े मसाइल ने जमीना दे जायदादा दे या कानूनी मसाइल ने, ये असी हल करांगे और कर रहे हैं, लेकिन साडी भुख जिहड़ी है ना वो एक बड़ी वड्डी काज है साडे मुल्क दे विच, साडे डिस्ट्रिक्ट दे विच। ये जिहड़े जमीना दे उत्ते कब्जे होंदे ने ये क्यों होंदे ने, आ जाके रौला भुखदा ही होंदा, लालच दे ही आ। ते मेरी ये गुजारिश होएगी कि प्लीज मेरी इस सजेशन कंसीडर करो, ये मेरी गुजारिश है अमेरिका और कैनेडा स्पेशली दोनों मुल्कां दे हेड्स तो कि प्लीज तुसी अपनी सजेशन पेश करो। असी यूरोप है, यूरोपियन भी जाहिर है साढ़े नाल ने, यूएई दे ने सारे साढ़े नाल ने, लेकिन मेरी सारे तो गुजारिश है कि ये और मेरी एक सजेशन है कि लेट्स टेक अ नेक्स्ट स्टेप ऑफ चैरिटी। बाकी फॉर्म काम कर रहा है, एवरीथिंग लुक्स गुड, हर आदमी अपनी ख्वाहिश अपनी कोशिश के मुताबिक अपनी ख्वाहिश के मुताबिक और जितना कोई टाइम स्पेयर कर सकता है कर रहा है, विच इज़ रियली गुड। बाकी साढ़े चेयरमैन साहब ने शायद रजा रांझा साहब, यही साढ़े तंजीम के रूह रवान ने, यही साढ़े हैड ने, और इन्हों ही वेख के मैं किसी का नहीं पता परसनली मी कि मैं इस फोरम का हिस्सा रांझा साहब की क्रेडिबिलिटी की वजह तो बनया। ज्यादा टाइम नहीं लियांगा, बाकी फिर गुजारिश ही होएगी कि जेड़े साढ़े हैड ने, चाहे वह स्टेट के ने, चाहे वह किसी भी तंजीम के ने, किसी मुल्क के ने, अगर वो टाइम नहीं दे सकते इस फोरम नू, तो प्लीज़ बाकी दूजे लोगों नू मौका दो ताकि वो आन, जिहड़ा बंदा टाइम दे सके, असी साड़ी ख्वाहिश होएगी उन्हूं असी पार्ट बनाइए अपनी तंजीम का, चाहे वह कोई होए। रांझा साहब ने, खुरम लवाई ने, अमतल सोई साहब ने, मलक साहब ने, शेख साहब ने, हर बंदा इंट्रस्ट लै रहा है और वो शो हो रहा, तो प्लीज़ मेरा ज्यादा टाइम नहीं देंगा, मुख्तसर जो मैसेज यही है कि एक मेरी सजेशन है चैरिटी दी और प्लीज कंसीडर इट, और दूसरी मेरी गुजारिश है कि जेडे दोस्त अहबाब जेडे कैंडिडेट जेडे प्रेसिडेंट ने या कुछ, अगर वो टाइम नहीं दे सकते दूसरे लोगों नू, खुशी नाल मौका दो और साढ़े नाल रहो। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज। जवान साहब की बात मैंने अपने तौर पर, सबसे पहले मैं जो भी काम करता हूँ वो मैं अपने आप से शुरू करता हूँ, फिर किसी दूसरे को। तो मेरा चूंकि सोशल नेटवर्क पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में मैंने रोजगार के सिलसिले में एक प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। वो ये है कि मिसाल के तौर पे हम लोगों को छोटे रोजगार बना के देंगे और लोग हमें 50% वापस दे दें, और जो 50% हमारा, मैं मिसाल देता हूँ कि एक बंदे को हम एक रक्षा लेके देते हैं 1,00,000 रुपए का, तो वो 50,000 उसका पहले दिन ही माफ हो गया, दूसरा वो 100 रुपया डेली का रिटर्न करे हमारी तंजीम को, ठीक है जी। और इस सिलसिले में हम प्लान तैयार कर रहे हैं दुकानदारी का, रेडियों का, ये दूसरा। वो जो ही प्लान तैयार होता है, सबसे पहले वो प्लान मैं खुद अपनी जेब से और अपने आप अपनी मदद आपके तहत देखूंगा, और वो कामयाब हो गया फिर आप लोगों को दावत भी देंगे कि जिसकी मर्जी है, जिसका दिल करता है। क्योंकि एक और भी बात है, कुछ लोग ये ना समझने लग जाएं कि शायद इन्होंने ये प्लान ही इसलिए तरतीब दिया है कि जो बाद में हम लोगों को इस नेटवर्क में लाएंगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी आप जैसे हजारों ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको शायद मतलब है वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, और मैं यकीन से कहता हूँ कि 1-2 महीने तक हम, हमारा जो इस पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो हमारी टीम तैयार कर रही है, और ये एक ऐसा प्रोग्राम होगा मसाली कि आप देखेंगे कि जिस तरह हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए थे तो आज हर कोई प्लांट लगाना शुरू हो गया है। यानी कि हमारा जाती तौर पर साफ पानी की जो मुहिम थी वो ये था कि लोगों में शऊर पैदा हो
यार हम इतने इतने पैसे फजूल खर्ची पे लगा रहे हैं, तो क्यों ना हम साफ पानी लोगों को पिलाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मंडी बहाउद्दीन पाकिस्तान का पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसमें साफ पानी के सबसे ज्यादा प्लांट है। तो ये भी हम कोशिश करेंगे कि अपने लोगों को ओवरसीज के प्लेटफॉर्म पर रोजगार दें। लेकिन आपकी सजेस्ट बहुत अच्छी है और मैं जाती तौर पर इंशाल्लाह ताला अमल जरूर करूंगा। जी खुरम जी बहुत शुक्रिया। अगे मैं दावत देना कासम बड़ैत साहब ने, वो साडे वाशिंगटन डीसी एरिया दे जनरल सेक्रेटरी ने। जी कासम भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कासम बड़ैत है, बराए तो तल्लक है मेरा। ते मैं पहले तो सारे वड्डी गल तो यही है कि मैं बहुत वड्डा शुक्र गुजार हाँ जो शायद राजा रांझा साहब ने यह काम शुरू किया है, बिच जितनी एफर्ट की है पहले दिन तो जितना काम किया है सारा कुछ। तो असि जो इतने अमरीका आए, मैं खास तौर पर अपनी गल करा, मेरे वास्ते तो सारे ना वड्डा जी एक अर्निंग है कि इतने अमरीका बच्चे रह के अपने कल्चर नाल जुड़िया रहना या अपना उहदे नाल मुनसलिक रहना सारे ना वड्डी जी अपना इतने कमाई। बहर आ गए साडा क्योंकि असि जो इतने बहर आ गए साडा जी 100% जरूरियात इतने ने, तो अपने हमदर्दियाँ पिछे 100% पाकिस्तान नाल ने। तो वह चीज़ के लिंक जरा दुआ कश्तियों के सवार जड़े असी लिंक जरा दुआ का बहुत जरूरी है, अपने कल्चर न जुड़िया रहना अपना जी सकाफत कंटिन्यू रखना सारे ना वड्डा तो गेन ए मोर दैन एनी डॉल। इतने मैं अपना अरशद रांझा साहब का भी अपना वेखिया काफ़ी लाइफ स्टाइल काफ़ी अपना दुनियादार ने मंडी के काफ़ी बंद उन्होंने उठन बहन है अपना सारा ओराइन जी अपना लाइफ स्टाइल रखे है जिम्मे मंडी में बह के जिम्मे बंदे अपना रखे होंगे। तो गल उन्होंने जेडे पाकिस्तान है टुकड़े तो मजबूर ने बंदे उन्होंने वास्ते रफाए आम वाले काम भी अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए उस पास सोचना चाहिए और बड़ा अच्छा प्लान है शायद रजा राजा साहब का भी उस पास टुरने का। तो मेरी पूरी फुल सपोर्ट है ऑन बोर्ड है वो बस टाइम ज्यादा नहीं लवेंगा तुम अपना कंटिन्यू रखो। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगे मैं दावत देना सारिया ने पाई तुहाडा नाम जिहड़ा वो नहीं आ रहा स्क्रीन ते। ते। भाईजान अपना जी खोलो माइक ऑन म्यूट करो। हाँ जी जी भाईजान तारफ भी कराया अपना जी। जावेद बुसाल कैलिफोर्निया तो बोल रहे हैं। जी जी अर्ज करो भाईजान बोलो जी। अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम रंजा साहब, दीवान साहब, सोई साहब, सब दोस्तान। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है कि काफी अरसे ते इस प्लेटफॉर्म ने सन यूनाइट कर देता है और सब नाल मुलाकात हो रही है और माशाल्लाह बड़ी खुशी होंदी है कि असी इतनी दुशी होंदी है कि असी इतनी दूर अपने मुल्क तो रह के भी चूंकि पाकिस्तान नूं असी कट के नहीं रह सकते ते अलहमदुल्ला इस फॉर्म ने सन इकट्ठे कर दिता है और एक फैमिली की तरह बना दिता है फ्रॉम ईस्ट टू वैसट। ते माशाल्लाह सब तो बड़ी यह खुशी है कि असी जड़े इस फॉर्म के जरिए जेडे मैं चैक कर रहा सी अगले दिन अपडेट होया सी कि जेडे मसाइल लोगों के हल हुए और माशाल्लाह उहदा क्रेडिट सब टीम नूं जांदा है स्पैशली शायद रंजा साहब कि जिन्हां अगे आलरेडी माशाल्लाह अच्छी कोशिश काफ़ी अरसे तो इस मकसद वास्ते जारी रखे हैं और मजीद उस तकबीयत दे रहे हैं और प्लेटफॉर्म न एक सब दूसरे साथियों भी मौका दिता है कि उस टीम में शामिल हो। इंशाल्लाह मेरी रिक्वेस्ट सब दोस्तों वास्ते दोस्तों अगे ही है कि तंजीम साजी जी चूंकि असी रिसेंटली शुरू किया है उस पर जोर दिता जाए और ओवरऑल पूरे यूरोप चो मिडल ईस्ट और पाकिस्तान और अमेरिका कनेडा दे विच जिहड़ा भी किसी का अपना सोर्स है दोस्त अहबाब सब नूं रिक्वेस्ट करके कि फोरम ज्वाइन करन और उसनूं तकवीयत बख्शन। और दूसरी ये चीज़ है कि मैं सजेशन देवांगा रंजा साहब नूं कि चूंकि मसाइल जिहड़े हैं मोस्टली साडे लोगों के पाकिस्तान के हवाले नाल लीगली जमीन रिलेटिड होंदे ने जायदाद के हवाले नाल या कोर्ट्स के इशू जिस तरह के रिजवान साहब ने जिक्र किया है कि जिहड़ा अदालती निज़ाम है उसनूं उन्होंने पॉइंट आउट किया है। तो असी इस फोरम के जरिए आवाज़ अपनी उठा के रिफॉर्म जड़ी हैं
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰਸੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ CRPC ਔਰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮ, ਅਗਰਚੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੋਦੋਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਲਾ ਹਕੂਮਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਲੂਜ਼ੇ ਖਾਤਰ ਰੱਖਣ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ, ਤਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੋਲਣ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜਨਾਬ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਵਨ ਦਾਮੇ ਦੁਰਮੇ ਸੁਖਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਮਾਮ ਮੈਟਰਸ ਔਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲਈਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋ ਜੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਚ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਭਾਈ ਮੁਸਤਫਾ ਔਰ ਦੋਸਤਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਨੇ, ਜੋ ਦੋ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਫਾਲੋ ਆਨ ਕਰੇ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ $100 ਸਮਥਿੰਗ ਲੱਗ ਜਾ, ਦੈਟਸ ਨਥਿੰਗ, ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਤੁਸੀਂ ਮਕਸਦ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲੇ ਮਿਸਾਇਲ ਨੇ ਫੋਰਨਰਸ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਡੈਫੀਨੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਨੇ, ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਸਤਫੀਜ਼ ਹੋਣ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਤਾਵਨ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟ ਲੂਇਸ ਮਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੈਂਟ ਲੂਇਸ ਮਜ਼ੂਰੀ ਸਟੇਟ, ਮਜ਼ੂਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸੈਂਟ ਲੂਇਸ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹੈ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ, ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ, ਭਾਈ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਲੋ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਹੁਣ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਹੈ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ ਜੁਲਾਂਗੇ, ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਗੁੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ,
ਗੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਵਬਰਕਾਤੁ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਰਸ਼ਦ ਗੁੰਦਲ ਟ੍ਰਾਈ ਸਟੇਟ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ ਤੇ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਸ਼ਰਫ ਗੁੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਗੁੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਵਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁਬਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਨਾਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਓਪਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਾਇਰਾ ਇੱਕ ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਅ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਭੀੜ ਚਾਲ ਵਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਓਪਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਸਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਟੁਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆਇੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਲੋਅ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਦੋਸਤ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਰਨ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਦੀਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਐਟਲੀਸਟ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਦੀਨ ਸੁਹਾਵੇ ਦੇ ਰਾਜੀ ਜਲਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਕੁਠਿਆਲੇ ਸੈਦਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕੱਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਚੂੰਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਆਖਾਂਗੇ ਜੋ ਲੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਅਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਰਡਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਦਰਿਆ ਚਲੋਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇਕਿਨ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਈਵਨ ਦੋ ਸਮ ਬੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਕਸ਼ਾ ਛੱਡ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਇਮਰਾਨ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਆਨ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਵਬਰਕਾਤੁਹ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਸਲਾਮ ਸਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਸਲਾਮ ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਤਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸੂਬਾ ਦਾ ਵੇਟ ਚ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ 3 ਵਜਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ
जनाब जन्नत बना के विखा दिती है कि सानू तुसां कट्ठियां कर दिता है ते अल्लाह पाक तुहानू जज़ाए खैर दे ते सर मुख सारे अल्फाज नू सारे भरावां ही बहुत खूबसूरत गल्लां कीतियां मैं हुण इह दुबारा गल्लां दोहरावां ते वक्त बहुत ज़्यादा लग जाणा लिहाजा मैं फिर इतनी गल करांगा कि सर वसदे रहो हसदे रहो अल्लाह पाक तुहानू होर तरह तरक्की दे असीं अपने भरा वास्ते डोर टू डोर चले हाँ राती भी असीं जनाब कट्ठे सी कैसर गोंदल साहब नू सुहावे ते दो भाई खुरम गोंदल साहब नू असद यास गोंदल ਸਾਡੇ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜੋ ਰਾਤੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਛੋਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਣਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਸੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂ ਨਾ ਜੇ ਅਗਰ ਉਤਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੈ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੇਸ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਵਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਮੈਰੀਕਾ ਆਏ ਅਸੀਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡੀਸੀ ਹੋਏ ਡੋਗ ਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰ ਪਿਛਾਂ ਜਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮਾਂ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੋ ਮੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਣ ਹੋਰ ਜਾਂ ਮੈਨ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟਾਂ ਬਸ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਮੈਨ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਸ਼ਮਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਮੈਂ ਸਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੀ ਐਮ ਪੰਜਾਬ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਓਵਰ ਸੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਸਤੇ ਬਾਜ਼ੂ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਸੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਨ ਕਰੀਬ ਹੀ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਚ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨ ਕਰੀਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇੱਕ ਰਲ ਕੇ ਬਵੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠਕ ਬਖਾਈਏ ਹੁੱਕਾ ਵਿੱਚ ਧਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੀਏ ਜੀ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦੱਸੋ ਸਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਚੜਿਆ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆਖਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਾਮ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਅਲਬਨੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲ ਹਨ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਤਨੀ ਕੋਈ ਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਰਨੀ ਰਾਤ ਚੋ ਗਰਨੀ ਅੱਲਾ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਆਨ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤਾਵਨ ਵਾਸਤੇ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣਾ ਖੁਰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਰੁਕਨ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦਾ ਮੈਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਦੁਆ ਗਵਾਂ ਸਰ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸ਼ਵੇਜ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸਾਰੀ ਬਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੱਕ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮੈਂ ਸ਼ਵੇਜ ਉਸਮਾਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ
बहुत अच्छा लगा सब अंकल सब भाइयों को सुनकर, सब किस तरह इस फॉर्म को कामयाब बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मैं हर वक्त हाजिर हूँ मेरे लिए जो भी खिदमत हो। और हर वक्त जो है वो हमारा साथ आप लोगों के साथ है, स्पेशली आप सब जिस तरह कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी, जिस तरह हमारे फ्यूचर में ये तंजीम हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगी, आने वाले वक्त में ये किसी नेमत से कम नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ किसी तरह मिलजुल कर हम काम करते रहेंगे। तो थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम सबको फिर मेरी तरफ से। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा नहीं ख्याल कोई भी भाई मिसिंग होना है, हुण अपडेट कर लिया, तो अगर फिर भी कोई मिसिंग है तो प्लीज चैट विच तुसी अपना नाम लिखो तो मैं तुहानू अनाउंस करना। ए खुरम तुसी ओ आखिर ते केस दी डिटेल वगैरह इनफॉर्म कर दे जे। हां हारून आ गया, हारून अनम्यूट कर, हारून अनम्यूट। ओके जी 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 दसो। हाँ जी, कुछ रहन दा तो नहीं, कोई मिसिंग नहीं? तकरीबन सारे मेंबर्स जितने मीटिंग जो है ना इस टाइम सब ने बोले, और सब दा बहुत बहुत शुक्रिया सारे ने टाइम दिता। ये एंड ते जड़ी केस दी कोई डिटेल्स ने वो तुसी शेयर कर सकते हो। चलो ठीक है फिर अंकल जी, मैं स्क्रीन शेयर करना तो तुसी हाई लेवल जड़ा कोई केसां दे बारे तुसी मजीद मतलब ओवरव्यू थोड़ा जिहा दस्सदे हो। जी अभी तक जो केस हमारे सामने आए हैं वो आपके सामने है, वो अभी तक वो जर्मनी वाले भाई खिजर याद का थोड़ा सा केस इन प्रोसेस है, और उसके अलावा जो यूई का केस वो हल हो चुका है, और इसके अलावा जो एजेंट माफिया वाला केस था वो भी एक हल हो चुका है, एक मिसिंग पर्सन था वो भी हल हो चुका है, और उसके अलावा एक बहुत अहम केस है जहाँ पर हमारी तंजीम नहीं थी, लेबिया का केस था, वो डेड बॉडी जो पाकिस्तान में गई है, वो मजर इकबाल रांझा साहब है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हल हो चुकी है। एक है हमारे भाई हैं आरिफ इटली से, उनका कोई जमीन का मसला था वो भी अभी इन प्रोसेस है, लेकिन वो पर्चा शर्चा हो चुका है। उसके अलावा और भी कुछ थोड़े से केस जो हैं वो इन प्रोग्रेस हैं, लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चाहूँ, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे फोरम के किसी जिस आदमी के साथ कोई भी परेशानी या छोटी मोटी मुसीबत होती है तो सारे भाई मिलजुल कर उसका साथ देते हैं, वहाँ के लोकल भी पाकिस्तान में भी सब कुछ। और इसके साथ ही मैं ज़िली इंतज़ामिया का भी बेहद मशकूर हूँ, स्पेशली DPO और DCO ऑफिसेज के जो लोग भी काम कर रहे हैं, और DPO साहबान और DCO साहबान, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारे साथ तावन किया है और आगे भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि आपकी यूनिटी जो है ये सबसे बड़ी सक्सेस है, आप मुतहद रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी से ना कोई हमें रोक सकता है और ना हम नाकाम होंगे। और इस कामयाबी के पीछे हम सब लोगों का साथ है, स्पेशली मैं इन दोनों नौजवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिसमें हारून जफर रांझा साहब जो और खुरम शहजाद, ये दोनों नौजवान जो हैं ये दिन रात आपके लिए काम करते हैं और रबता करते हैं और लोगों को अपने गाइड करते हैं। और साथ आखिर में फिर मैं अपने दोस्तों को कहूँगा कि कोई भी रेफर करने से पहले ओवरसीज मिशन जो पंजाब है उसमें ज़रूर रजिस्टर करें, अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हारून से रबता करें या खुरम से रबता करें, क्योंकि उसका जो वो नंबर्स इशू होता है वो हमारे लिए बहुत मददगार साबित होता है, इसलिए वो केस वहाँ पे ज़रूर रजिस्टर करें और उसके बाद जो है वो केस आगे प्रोसेस करें और कोई भी गलत केस हमें ना दे। और एक और सच में मसला आ रहा है, बाज़ ओवरसीज जो हैं वो अपने अजीज़ों अकारब के केस जो हैं वो हम तक पहुँचाते हैं,
जो हम के लिए हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है और ना हम वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर वो कहते हैं कि मेरे भाई का ये केस है, सकते हैं या मदद कोई कर सकता है, लेकिन फोरम के प्लेटफॉर्म पर हम चाहेंगे कि ओवरसीज के जो लोग हैं उनके मसाइल ही हारों। और उसके अलावा हमारा जो फ्लाई रफाई मिशन है उसके सिलसिले में हम कोशिशें करेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीक हमारे ये जो नौजवान हैं हारून जफर रंजा और खुरम, इनके साथ बैठ के भी हम कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं और अगली मीटिंग तक आप को पहुंचाएंगे और अल्लाह बेहतर ही करेगा। बाकी आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मीटिंग अटेंड की और इसी तरह भाईचारे की फिजा जो है ये कायम रहे और इसी तरह हमारा फोरम जो है वो कामयाब और कामरान है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं लाइव स्ट्रीम